कहानी की शुरुआत में हम वेनु का नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी हो रही थी। उसकी दोस्त कहती है, शादी के बाद तो तेरी मजे ही मजे होगी। हाँ, मैंने एक वशीकरण बाबा से भी बात किया है, काले जादू से मैं मेरे पति को जोरू का गुलाम बना दूंगी। तभी उसकी और एक दोस्त कहती है, बता कल रात तूने तेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या किया। मैंने उसे बोला, अगर शादी करनी है तो अभी बोलो, वरना हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखना। ओ, क्या उसने तुम्हें तुम्हारी वेडिंग प्रेजेंट दिया? हम उसके इशारों को देखकर समझ जाते हैं कि वो कौन सी प्रेजेंट के बारे में बात कर रही है। वेनुका कहती है, हाँ उसने मुझे शादी का तोहफा दिया, वो भी दबाकर। दूसरी तरफ हम उसके होने वाले भोले भाले बैंगन नाक वाले हस्बैंड को देखते हैं जो दरवाजे के बाहर से वेनुका की इन सारी गंदी बातों को सुन लेता है। गुस्सा होकर वो शादी को तोड़ देता है और एक नाइट क्लब जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की आती है और वो लड़की दुखी आत्मा के हाथ में एंगेजमेंट रिंग को देखकर उससे उसकी बीवी के बारे में पूछती है। लेकिन दुखी आत्मा उसके सामने अपनी फूटी किस्मत का रोना ना रोकर कहता है कि मेरी बीवी कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, ये सब कुछ मैंने 6 साल पहले ही पूछना बंद कर दिया और मैं अभी मेरे 14 बच्चों के साथ रहता हूँ जिनको मैं उनकी माँ की प्यार देता हूँ। तुम कितनी दुखी हो, क्या मैं तुम्हारा दुख को अपने साथ बांट सकती हूँ? जिसके बाद वो दोनों ओयो होटल्स में जाकर जमकर दुख बांटते हैं। इसके बाद हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम देखते हैं दुखी आत्मा अभी एक प्लास्टिक सर्जन बन चुका है। इन 20 सालों में वो हर लड़की को यही बताता है कि उसकी बीवी एक जालसाज बीवी है और वो कई सारी मर्दों को अपनी हॉटस्पॉट देती है। एक लड़की कहती है, तुम्हें इस एंगेजमेंट रिंग को उसे देना चाहिए जो तुम्हें दिल से प्यार करे। जिसके बाद वो दुखी आत्मा को सुखी करने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। दुखी आत्मा समझ चुका था कि वो ऐसे ही अपनी फूटी किस्मत का रोना रोकर रोज नई नई लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा सकता है, इसीलिए वो अपने इस नेक काम को जारी रखता है। दूसरी तरफ हम उसकी असिस्टेंट प्यार अंधा होता है को देखते हैं जो फ्लिपकार्ट से अपने लिए बूब्स बैग ऑर्डर किया था। ये क्या है? अरे ये तो बूबी बैग्स है। लड़की इसे अपने सपाट छाती में लगाकर उसे गोदाम बना देती है। ये वाली वो नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी, इसमें तो देखो सरसों का तेल भरा हुआ है। कम ऑन, तुम्हें इसमें और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है? जिसके बाद वो आदमी पहले उसे दबाता है और फिर उसकी दबाने के लिए जाता है, लेकिन प्यार अंधा होता है उसे रोक देती है। आगे दुखी आत्मा के केबिन में एक ऊंची आईब्रो वाला औरत अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आती है। अरे तुम थोड़ा रिलैक्स होकर दिखाओ ना। ही, यह है तुम्हारा रिलैक्स? रुको, मैं तुम्हारी आईब्रो को ऊपर करके देखता हूँ। लेकिन वो फिर से छलांग लगाकर ऊपर आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों उसकी फिरकी लेने से अपने आप को नहीं रोक पाते। उस रात दुखी आत्मा एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपनी कई पेशेंट से मिलता है। एक कहता है, मैं तो बस थोड़ा सा ठीक ठाक लड़की चाहता हूँ, मुझे बहुत सारी लड़कियाँ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी ही चाहिए। लेकिन इस प्लास्टिक सर्जरी के बाद कोई भी लड़की मेरे आसपास नहीं घूमती। खैर, आगे वो एक पटाखा औरत से मिलता है। हाय, मेरा नाम है दुखी आत्मा। हेलो, मैं हूँ प्यार की प्यासी, प्यार लेना मेरा काम है और प्यास बुझाना मेरी फर्ज। अच्छा, तुम करते क्या हो? मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। गेस करो, यहाँ पर मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं। प्यार की प्यासी अपने चारों तरफ देखती है और उसे वहाँ पर ऐसे कई सारे नमूने देखने को मिलते हैं जिनकी सर्जरी दुखी आत्मा ने ही किया था। आगे वो दोनों एक समंदर के किनारे जाकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। पता है, मैं जब छोटा था तभी मेरी मम्मी पापा के बीच डिवोर्स हो गया था और मुझे प्यार कभी नहीं मिली, इसीलिए मैंने अपना नाम प्यार की प्यासी रख लिया। जिसके बाद दुखी आत्मा उसकी प्यार की प्यास बुझा देता है। अगली सुबह प्यार की प्यासी उसके जेब में एंगेजमेंट रिंग को देखकर समझ जाती है कि दुखी आत्मा शादीशुदा है, इसीलिए वो उसके ऊपर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दुखी आत्मा दुखी होकर उसे मनाने के लिए उसके स्कूल जाता है, लेकिन वो उसके फूल के गुलदस्ते को डस्टबिन में फेंक देता है। धोखेबाज गंदे आदमी मेरी प्यार की प्यासी मैडम को छेड़ता है। देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, मैं तो मेरी जालसाज बीबी के साथ तलाक ले ही रहा हूँ क्योंकि उसकी कई सारे मर्दों के साथ नाजायज रिश्ता है। ओ, तो क्या नाम है तुम्हारी बीवी की? उसकी नाम है इना, मीना, डिका। नहीं, प्यार अंधा होता है। हाँ, सच में प्यार अंधा होता है। नहीं नहीं, उसकी नाम ही है प्यार अंधा होता है, इसीलिए वो आंख मूंद कर सबको प्यार करने के लिए दे देती है। प्यार की प्यासी कहती है, मैं उसके साथ मिलना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। अब इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए दुखी आत्मा प्यार अंधा होता है को एक दिन के लिए उसकी नकली बीवी बनने के लिए कहता है। प्यार अंधा होता है कहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे शॉपिंग करवाना होगा। आगे वो लोग एक शॉपिंग मॉल जाते हैं जहाँ पर प्यार अंधा होता है अपने लिए एक हील खरीदती है जिसकी कीमत $17,000 थी। क्या, $17,000? इसके साथ क्या तुम भी आओगी? ये इतनी महंगी क्यों है? इसमें क्या कोई हीरे जड़े हुए हैं? नहीं स्वीट हार्ट, ये कितनी अच्छी है। जिसके बाद दुखी आत्मा को वो हील खरीदना पड़ता है। आगे वो लोग और भी शॉपिंग करते हैं और अगले ही दिन प्यार अंधा होता है चुम्मी दे देकर प्यार की प्यासी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है। वहां पर वो एक वेटर से फ्लर्ट करने लगती है और उसके पीछे चाटा भी मारती है। वेटर मन ही मन कहता है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, आ बैठ मेरे घोड़े पर तुझे घर तक छोड़ दूं। मिल जाए अगर
अगर तू जमाने में इतनी हिम्मत कहाँ है, लेना चाहती हूँ तो तेरी हर रोज, लेकिन इस वेटर की जिंदगी में इतनी फुर्सत कहाँ है। खैर आगे प्यार अंधा होता है, प्यार की प्यासी को बता देती है कि वो दोनों जल्दी तलाक लेने वाले हैं। जिसके बाद जब वो जा रही थी तभी उसके बच्चे उसे कॉल करते हैं और प्यार की प्यासी को पता चल जाती है कि उन दोनों का बच्चा भी है। वो कहती है, तुम्हारा बच्चा भी है और तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं। नहीं मैं बताने ही वाला था, तो कब मिला रही हो तुम तुम्हारे बच्चों के साथ मुझे। खैर अगले दिन इस मुसीबत का हल निकालने के लिए दुखी आत्मा प्यार अंधा होता है के बच्चों को कुछ खिलौने और पुतले के लालच देकर उन्हें उसकी नकली बच्चे बनने के लिए कहता है। हमें पता चलता है कि वो बच्चा हवाई जाकर डॉल्फिन के साथ तैरना चाहता है, लेकिन दुखी आत्मा उसे हवाई ले जाने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो प्यार अंधा होता है के पास जाकर उसे भी इस काम के लिए मनवा लेता है। इसी बीच हम उनके क्लिनिक में एक पेशेंट को देखते हैं जिसका दो धमाका रशिया और यूक्रेन की तरह छोटा बड़ा रह गया था। दुखी आत्मा और प्यार अंधा होता है दोनों मिलकर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बाद दुखी आत्मा अपनी नकली फैमिली को प्यार की प्यासी से मिलाने के लिए लेकर जाता है। रास्ते में एक बदमाश बच्चा अपनी टकली माँ को कोका कोला फेंक कर मारता है। खैर प्यार की प्यासी जब उन बच्चों के साथ बात कर रही थी तभी वो छोटा बच्चा कहता है कि पापा मुझे हवाई लेकर जाने वाले थे, लेकिन आपकी वजह से उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दी। तब तक वहाँ पर दुखी आत्मा भी पहुँच जाता है और ताकि प्यार की प्यासी उसके ऊपर नाराज ना हो इसीलिए वो उन सबको हवाई ले जाने का वादा करता है। आगे जब वो लोग एयरपोर्ट में फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे तभी वहाँ पर दुखी आत्मा का भटकता हुआ दोस्त भेड़िए के सौदागर पहुँच जाता है। दरअसल दुखी आत्मा ने ही उसे नाटक करने के लिए कहा था, लेकिन ये प्लान तब तक चौपट हो चुका था। यहाँ पर दुखी आत्मा को अपने भटकते हुए दोस्त को भी हवाई लेकर जाना पड़ता है। वहाँ पर वो लोग बीच पर काफी इंजॉय करते हैं और रात को वो लोग एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए जाते हैं। प्यार की प्यासी भेड़िए के सौदागर से उसके काम के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैं भेड़ियों का धंधा करता हूँ और मेरा एक वेबसाइट भी है जहाँ पर तुम ऑनलाइन भेड़िए खरीद सकते हो। समझ लो मैंने भेड़िए के ऊपर PhD भी करके रखा है। इसी बीच प्यार अंधा होता है जब दुखी आत्मा के साथ बात कर रही थी तभी उसकी धोखेबाज दोस्त डेवलिन के साथ उसकी मुलाकात होती है। डेवलिन उसे अपने हस्बैंड से मिलाती है और वो भी उनके सामने दुखी आत्मा को अपना हस्बैंड बताती है। अगले ही दिन वो सभी जंगल घूमने के लिए जाते हैं जहां पर भेड़िए के सौदागर को एक जंगली सुअर पकड़ लेता है। आगे जब वो प्यार की प्यासी के पीछे बैठकर उसकी सवारी कर रहा था तभी वो उसकी मलाइका अरोरा खान को देखने लगता है। देखने को और भी नजारे है स्वीट हार्ट। हाँ, मैं तो बस पास के नजारे को देख रहा था। इसके बाद वो लोग एक लेक के पास जाते हैं जहाँ पर प्यार की प्यासी पीली कच्छी और ब्रा पहन कर पानी में कूद जाती है। दुखी आत्मा उस बच्चे को पानी में जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि उसे तैरना नहीं आता जबकि वो डॉल्फिन के साथ यहाँ पर तैरने के लिए ही आया है। खैर प्यार अंधा होता है भी अपनी लाल कच्छी पहनकर पानी में कूद जाती है, जिसको देखकर भैंसों के सौदागर और दुखी आत्मा के मुंह खुली की खुली रह जाता है। इसी बीच भेड़िए के सौदागर उस बच्चे के अंडरवेयर को पहनकर वाटरफॉल के ऊपर चढ़ने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है। अगले ही दिन दुखी आत्मा उस बच्चे को तैरना सिखाता है, जिसको देखकर प्यार की प्यासी और प्यार अंधा होता है दोनों ही उसके प्यार में दीवानी हो जाती है। तभी वहाँ पर प्यार अंधा होता है कि जालसाज दोस्त डेवलिन आ जाती है और वो उसे और उसके हस्बैंड को रात को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। प्यार अंधा होता है भी उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि वो काफी नर्वस थी। रात को वो दुखी आत्मा को किसी तरीके से उसके साथ चलने के लिए मना लेती है, लेकिन अभी भी उसकी मुसीबत प्यार की प्यासी थी इसलिए वो भेड़िए के सौदागर को प्यार की प्यासी को घुमाने के लिए लेकर जाने के लिए कहती है। सुनो मैं सोच रहा था क्यों ना आज रात हम और तुम डिनर करने जाए, क्योंकि इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जान पाएंगे। जिसके बाद वो उसे लेकर डिनर करने के लिए एक भैंस के तबीले में जाता है। वहाँ पर जब वो उसके साथ भैंस का मूत पी रहा था तभी वहाँ पर एक कमसिम लड़की भाग कर आती है। मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरी पालतू भेड़ मर रही है, उसे मिर्गी का दौरा आया है। हाँ ये है, ये डॉक्टर नहीं है, भगवान है, ये आपकी मदद कर सकते हैं। बाहर जाकर वो भैंस को उंगली करता है और कहता है कि मेरे इतने साल के तजुर्बे के मुताबिक ये मर चुकी है। तभी वो भेड़ में जिसके बाद वो उसे धक्का देकर उसे चैन से मरने भी नहीं देता। तुम उसे मार डालोगे, खबरदार मेरे इलाज की अगर कोई कुछ बोला तो। अब इस इलाज से वो भेड़ ठीक हो जाता है। भेड़िए के सौदागर उस कमसिम लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि देखो मैंने ऐसे उसे ठीक किया, ऐसे पकड़ा और ऐसे 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 धक्का दिया। दूसरी तरफ हम प्यार अंधा होता है को देखते हैं जो दुखी आत्मा के साथ पार्टी में आई थी। इसी बीच डेवलिन के हस्बैंड को एक कॉल आता है जिस वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जाते वक्त वो डेवलिन से कहता है, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी अदा, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी अकलमंदी, तुम्हारी जुनून, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डेवलिन कहती है, जब हम दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर होते हैं तब हम वो सब कुछ कहते हैं जो हमें एक दूसरे में अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर स्टेज में ठुमका कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। इस कॉम्पिटिशन में एक 90 साल की बुढ़िया भी हिस्सा लेती है जो स्टेज में भरपूर अपनी बुढ़ापा दिखाती
जाती है। एक मोटी औरत जो अपनी इंडिया पाकिस्तान को हिला रही थी वो भी इस कंपटीशन में हार जाती है, जिसके बाद असली ठुमका शुरू होता है। प्यार की प्यासी और प्यार अंधा होता है जमकर ठुमका लगाती है, लेकिन आखिर में यह कॉम्पिटिशन उन दोनों के बीच टाई हो जाता है, जिस वजह से विजेता को चुनने के लिए उन दोनों के बीच कोकोनट चुम्मा गेम को खेला जाता है। इस गेम में उन दोनों के बीच एक कोकोनट को रखा जाएगा जिसको उन दोनों को बिना हाथ से छुए एक दूसरे के मुंह से चुम्मा देना होगा। गेम शुरू हो जाता है और डेवलिन के कोकोनट उसके हस्बैंड के कमर के नीचे आ जाता है। डेवलिन उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाता है, जिसके बाद उसका हस्बैंड अपने इस अनोखे पावर से उस कोकोनट को उठाता है, लेकिन तब तक प्यार अंधा होता है जीत जाती है। उस रात वो दोनों जब अपने अपने होटल रूम जा रहे थे तभी उन दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होती है। दुखी आत्मा वापस से प्यार अंधा होता है के पास जाने लगता है, पर तभी उसे लिफ्ट में प्यार की प्यासी मिलता है जो उसे कल ही इस हवाई में शादी करने के लिए कहती है। अब दुखी आत्मा भी मान जाता है क्योंकि वो यहाँ पर शादी करने के लिए ही आया था। रात को वो प्यार अंधा होता है को कॉल करता है और बात करने पर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले ही दिन प्यार अंधा होता है उन दोनों की मैरिज सेरेमनी में नहीं जाती क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। इसी बीच वहाँ पर डेवलिन भी आ जाती है जिसको वो सब कुछ सच सच बता देती है। थोड़ी देर में वहाँ पर दुखी आत्मा भी आ जाता है और वो प्यार अंधा होता है से कहता है कि वो उसे प्यार करता है। दरअसल उसने प्यार की प्यासी से शादी नहीं किया क्योंकि वो प्यार अंधा होता है से प्यार करता है। खैर, इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।